अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंट नेम रिएक्शंस। इसी सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो नेम रिएक्शन ले रहा हूं और वो है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एनोड पर तो आता है हाइड्रोकार्बन, मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, और जो कैथोड होगा वहां पर मिलता है हाइड्रोजन, और जो सॉल्यूशन जो हमारा मीडियम होगा वो धीरे धीरे बेसिक होने लगता है, मींस पीएच इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो यही डेफिनेशन दी है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट्स गिव हाइड्रोकार्बन्स एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड। समझ गए बच्चों कि जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट्स हैं, इनके जलीविलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड में तो मिलेगा हमें हाइड्रोकार्बन, मींस एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, और कैथोड में मिलेगा हमें क्या, हाइड्रोजन। हम इसका मैकेनिज्म से देखेंगे कि इस तरह से क्यों होता है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इसके 2 मोल्स ले लें RCOONa प्लस वाटर, एक्वस मीडियम है। ओके, यहां पर और यहां हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां से ये हम इस तरह से ले लें, ये H2, ये CO2 और ये R, तो ये है R एंड R प्लस 2NaOH प्लस 2CO2 प्लस H2, ये तो मिलेगा बच्चों एनोड पर, और ये कहां आएगा, कैथोड। ओके, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब देखो यहां पर हम R की जगह कुछ ले लें, जैसे CH3COONa ओके प्लस CH3COONa प्लस H2OH इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। ओके, तो यहां पर आ जाएगा CH3CH3, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। अब मैंने यहां हाइड्रोकार्बन क्यों लिखा है, क्योंकि यहां इस मेथड में आप देखोगे जो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है ये एल्केन के फॉर्मेशन में भी आती है, एल्कीन में भी आती है और एल्काइन में भी आती है, तो हम वहां पर सॉल्ट बदलते जाते हैं, प्लस 2NaOH प्लस CO2 और प्लस H2। ये जो NaOH है ये मीडियम का पीएच इंक्रीज करता है, ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है, और ये है इथेन मतलब एल्केन हाइड्रोकार्बन में, तो ये कहां पर रिलीज हो जाएगा, एनोड पर। तो यहां पर बस यही पूरी प्रोसेस हुआ इस तरह से। ओके, तो ये तो थे जब एल्केन बना। अब सपोज हम यहां पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लेते हैं और उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का यूज करें, तो हम देखेंगे कि हमें या तो एल्कीन मिलेगा या एल्काइन मिलेगा। ओके, देखो किस तरह से, यहां पर सपोज हम यूज करें CH2, ओके COONa प्लस HOH, या हम इस तरह से ले लें OH, ओके। यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहां से ये रिमूव हो गया, ये CO2 और ये बॉन्ड इस तरह से यहां आएंगे एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये मैकेनिज्म देखते हैं, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH और प्लस H2, ये एनोड बाय, और ये कौन है बच्चों, एल्कीन, एथीन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जस्ट ऐसा ही हम एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का यूज कर। ओके, जैसे ये है सोडियम मैलेट और इसमें HOH, वही पूरा रिव्यू में होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, हमारा आएगा CH3 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH
प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH और प्लस क्या H2। ये क्या बन गया बच्चों? एथाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये एल्कीन था, हमारे पास अब ये क्या आ गया? एल्काइन। तो ये जो मेथड है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, आप देखोगे ये तीनों के लिए यूज होती है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इस रिएक्शन से, ओके, कि उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखना है, क्योंकि ये तो सिंपल रिएक्शंस हैं, ये सभी आप पढ़ते रहते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। सपोज यहां पर हम यूज करें C double O N A plus H2, ओके, एक यूज करें CH2 C double O N A, ओके, इसके टू मोल्स यूज होंगे CH2 C double O N, ओके, यहां पर हम यूज करें HC double O N plus HC double O N। अभी मैं सिर्फ वन टाइप का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ले रहा हूं, जब टू टाइप्स के लेंगे तब क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखेंगे। तो देखो बच्चों, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो सोचो आप कि क्या प्रोडक्ट होगा। अगर आप इसके मैकेनिज्म में जाएंगे, जब आप अच्छी तरह से देखोगे तो आप देखोगे कि एट एनोड यहां पर ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन C double O minus में ब्रेक होगा, बाद में इसका 2CO2 प्लस NaOH और प्लस H2 एट एनोड, हमें CO2 मिलेगा, और कैथोड में आप जाओगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, ओके, यहां आ जाए H2O। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस सिंगल ले लेता हूं तो एक CH2 मिथाइलीन ग्रुप बनेगा जो स्टेबल नहीं होगा, बट अगर हम इसके टू मोल्स ले लें और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हम देखेंगे कि ये है CH2 और ये है CH2, एक CH2 और ये डबल बॉन्ड प्लस, और देखो आप 4 मोल CO2 प्लस 4 मोल NaOH प्लस H2, ये क्या मिलेगा? एनोड पर। अब यहां आ जाते हैं कि यहां इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, यहां से ये ब्रेक होगा प्लस H2, तो ये हमें मिल जाएगा CH2 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2, ओके, यहां पर आ जाए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा? देखो यहां पर ये है H2 प्लस H2, तो यहां पर H2 एनोड पर भी होगी प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 ये कैथोड पर भी होगी, क्यों? क्योंकि वाटर से 2H+ मिल रहे हैं, तो यहां से नहीं, तो ये प्रोडक्ट्स होंगे। जब आप इस तरह के सॉल्ट्स का यूज करोगे तो ये समझ गए होगे आप कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट का तो क्या बन रहा है। इसी तरह से ये हम सोडियम मेलोनेट, इससे हम देख रहे थे, इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएं तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट्स इस तरह से। तो ये था जब वन टाइप का आपने सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट यूज किया तो ये प्रोडक्ट्स थे। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स या हम इसमें जो सॉल्ट्स हैं टू टाइप्स के यूज करें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ध्यान रखें, जैसे मैंने बोर्ड्स रिएक्शन में बताया था, जस्ट ऐसा ही यहां पर टू टाइप्स के सॉल्ट्स यूज करोगे तो जो एल्केन्स होंगे वो एक मिक्सचर में मिलेंगे, एक से वन से अधिक टाइप्स के क्या होंगे आप देखोगे, आपको एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन आएंगे। सपोज आपने लिया CH3COONa plus HCOONa और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं बच्चों। अब आप सोचो कि यहां पर क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, ओके, तो यहां पर आप देखोगे ये एक तो इस तरह से इसमें पॉसिबिलिटीज देखो, एक तो होता है CH3 CH3, क्यों? क्योंकि जो आप कंटेनर लोगे उसमें बहुत सारे आपके पास ये हैं सोडियम एसिटेट, इसी तरह से सोडियम फॉर्मेट, तो एक पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH3 का कोलिजन हो जाए, मतलब इनके जो रेडिकल्स बनेंगे आप मैकेनिज्म में देखोगे ये बनेगा रेडिकल और एक ये बनेगा, तो ऐसे एन है तो इनकी जो पॉसिबिलिटीज है एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा H2
एक हो सकता है CH4 प्लस CO2 और NaOH प्लस H2। ये सब किस पर पॉसिबल है बच्चों? एनोड पर। ये सब कहां पर जाएगा? कैथोड पर। ओके, जस्ट ऐसा ही यहां पर तुमने CH3COOH प्लस C2H5COOH और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो देखो प्रोडक्ट होगा CH3CH3 प्लस CH3C2H5 प्लस C2H5 प्लस CO2 प्लस H2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास थ्री प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो गए। अब सपोज ये वन मोल होता और ये वन मोल होता और तीनों की पॉसिबिलिटी जो है फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी हम ये कहें कि हमारे पास फॉर्मेशन ठीक है पॉसिबिलिटी जो है वन रेशो वन में है कि तीनों बराबर बने तो बताएं कि ये कितने मोल बनेगा ये कितने मोल बनेगा ये कितना मोल आएगा। तो ध्यान से देखें कि CH3 का वन मोल तीन पार्ट में बट रहा है, एथाइल ग्रुप का वन मोल तीन पार्ट में बट रहा है। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो 1/3 प्लस 1/3 ओके इनटू 15 यहां पर आ रहा है 1/3 प्लस 1/3 ये किसका हो गया बच्चों CH3 का और ये किसका हो गया C2H5 मींस 1/3 इनटू 15 प्लस 1/3 इनटू 29 तो ये ग्राम में आ जाएगा। ये ग्राम था यहां है 1/3 प्लस 1/3 इनटू किससे कर देना 29 से तो ये ग्राम में मोल आ जाएगा। जस्ट ऐसा ही यहां पर देख सकते हैं वन मोल इसका हमसे पूछा जाए कि ये कितना मोल बनेगा ये कितना मोल बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इनके मोल्स या इनके ग्राम में अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जब आप एक से ज्यादा सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं तो जो सॉल्ट्स ये जो एल्केन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स उनका एक मिक्सचर बनता है। तो ये मेथड भी बच्चों जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है ये सिमेट्रिकल एल्केन्स के फॉर्मेशन में यूज होती है जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन। ओके, इसमें भी अगर हमें वन टाइप का हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हमें वन टाइप का ही सॉल्ट लेना होगा। अगर टू टाइप्स के सॉल्ट या थ्री टाइप्स के सॉल्ट अगर आपने मिक्स कर दिए तो इसमें एल्केन्स या एल्कीन्स या एल्काइन्स इनके मिक्सचर बन जाएंगे जिनका सेपरेशन काफी टफ होता है। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं और क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या है किस तरह से होती है उसका क्या प्रूफ है ये देखिए। तो अब हम आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों आपने सॉल्ट लिया RCOONe या आयनाइज हुआ RCOO हम यहां पर CH3 ग्रुप लेके कर रहे हैं बच्चों तो आप बहुत इजी कोई समझ जाओगे प्लस और Na+। ओके, इसके अलावा हमारे पास वाटर भी है एक्वस मीडियम है H+ और यहां क्या है OH। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर एक ही सॉल्यूशन में टू टाइप्स के कैटायंस आ जाएं तो कैथोड में उस कैटायन का रिडक्शन पहले होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है और एनोड में उस एनाइन का ऑक्सीडेशन होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। ओके, इसी बेस पर हम जो है इसको देखेंगे कि कौन पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा कौन पहले रिड्यूस होगा। तो यहां पर देखो अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब इलेक्ट्रोलिसिस में जाएंगे तो यहां RCOO- और यहां पर H+ है। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलिसिस में ये किसमें रिएक्शन लेंगे हम एनोड में पहले हम यहां देखेंगे एनोड। ओके, तो एनोड में क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जो होगा ये OH है और RCOO-। ध्यान रखें OH के रिस्पेक्ट में RCOO- का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है मींस इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस में इसको यहां रखेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा RCOO- ग्रुप का। यहां देखें आप इस तरह से यहां हुआ ऑक्सीडेशन तो यहां हो जाएगा आरसी डबल बॉन्ड OO ये फ्री रेडिकल और ये हो गया अगर आपने टू मोल लिए हैं तो यहां टू इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे।
ये क्या बन गया बच्चों, फ्री रेडिकल। ओके, और ये फ्री रेडिकल फिर आगे ब्रेक होता है कैसे, या मैं यहां पर लिख दूं दोबारा RCOO, और ये है एक रेडिकल का, ये स्टेबल नहीं है। अब यहां का जो बॉन्ड पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, हम ये 2 मोल ले लें तो हमारे पास 2R, क्योंकि यहां पर R इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है CH3 प्लस 2CO2, मींस यहां पर आपके पास ये बन गए 2 मोल फ्री रेडिकल CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, अब देखो इनका, इनका कॉम्बिनेशन होगा R प्लस R, ये सॉरी R फ्री रेडिकल R, मींस CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, इनके कॉम्बिनेशन से बना, ये है एल्केन हो गया, ये जो भी हाइड्रोकार्बन आप यूज कर रहे हैं। R कैसा है, यहां पर हमने सैचुरेट मिथाइल ग्रुप लिया है, तो ये बन गया क्या इथेन। इस रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट एस्टर भी बनता है, तो देखो बच्चों ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है ऐसे कि यहां पर RCOO फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, तो ये बना सकता है RCH3 इस तरह से। ओके, तो यहां पर RCOO फ्री रेडिकल और ये है, तो ये एक एस्टर, और इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट एस्टर की भी बनती है, माइन्यूट अमाउंट, तो ये प्रूव करती है कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं, क्या और कोई एल्कीन या एल्केन स्मॉलर, मतलब इससे छोटा एल्केन या कोई एल्कीन पॉसिबल है कि नहीं, तो ध्यान रखें यहां पर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि एनोड में क्या रिएक्शन बतानी है आपको, तो इस तरह से कार्बोक्सिलेट का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इस कार्बोक्सिलेट का आगे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मतलब डिकम्पोजिशन हुआ, दो एल्काइल फ्री रेडिकल बन गए, इनके कॉम्बिनेशन से एल्केन बन गए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है बच्चों, और वो पॉसिबिलिटी है कि इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाए, और डिसप्रोपोर्शनेशन होने से क्या बन सकता है, एल्केन भी बन सकती है, एल्केन स्मॉलर एल्केन, तो एक पॉसिबिलिटी है, समझ गए ना, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो क्या हम ये देखें कि CH3 ये रेडिकल है और CH3 ये रेडिकल है, क्या ये पॉसिबल है ऐसा, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। अगर यहां पर CH3CH2 ये है और HCH2CH3 ये रेडिकल अगर बनता है फ्री रेडिकल तो पॉसिबल है, यहां से ये ब्रेक होगा, यहां जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा बच्चों, और ये यहां हो जाएगा, तो CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है कि R अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है, R इक्वल टू हायर ठीक है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल फ्री रेडिकल। ओके, इसको छोड़ दें, तो यहां पर ध्यान रखें R और R पॉसिबल है, मतलब इसके लिए यहां तो सिर्फ ये पॉसिबल है R और RCOO, बट यहां पर आप देखो R R पॉसिबल है, एल्कीन पॉसिबल है, एस्टर पॉसिबल है, मतलब यहां पर केवल एल्केन हो गया और एस्टर, ठीक है, यहां पर एल्केन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकती है, एस्टर भी बन सकते हैं, और लोअर हाइड्रोकार्बन भी पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल बुर्ज रिएक्शन जैसा है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि इसकी मैकेनिज्म है। तो ये रिएक्शन कहां बताई मैंने आपको पॉसिबिलिटी बच्चों, कि जब आप कहां पर देख रहे हैं एनोड पर। अब आता है कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई होगी, तो हम देखते हैं कि कैथोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड कैथोड में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। ओके, तो यहां पर जो रिडक्शन हुआ, सपोज यहां पर Na ये आया प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Na प्लस क्या H2, सॉरी यहां पर आ गया Na, ये तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेगा बच्चों, और ये चेंज हो जाएगा 2NaOH प्लस क्या H2, तो ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट हुआ। हम ये भी लिख सकते हैं
कि हाइड्रोजन से जो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H+ का, देखोगे इसका 0 है, इसका -2.72, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है H+ का, तो वो पहले रिड्यूस होगा। और इस तरह से सॉल्यूशन में Na और वहां से वाटर OH बचा, क्या बन गया NaOH। और ये रिएक्शन चलती रहती है, तो यहां से ये -OH बचा और ये Na, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, और यहां पर जो H था वो इलेक्ट्रॉन लिया और रिड्यूस हो गया। तो कुल मिलाकर ये है इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मैकेनिज्म। ओके, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये तो था मैकेनिज्म हो गया, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हो गई, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। देखो पहले तो ये ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन, ठीक है, गिव्स हाई यील्ड ऑफ सिमेट्रिकल, ठीक है, एल्केन और एल्कीन। अगर, ठीक है, इफ यूज्ड ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट। समझ गए बच्चों कि एक ही प्रकार का अगर हम लवण यूज करें, का उपयोग करने पर सममित हाइड्रोकार्बन बनता, तो ये भी मेथड जो है मैंने सिमेट्रिकल जो एल्केन्स हैं या एल्कीन्स हैं या एल्काइन्स हैं उनकी प्रिपरेशन में यूज होती है। ओके, सपोज हमने दिया CH3COCH2H5, सॉरी Na प्लस CH3COCH2H5 और Na, तो बन जाएगा CH3CH3। तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। यहां पर अगर आप C2H5COOH प्लस C2H5COOH इसका यूज कर रहे हैं, मींस एक्वस मीडियम इलेक्ट्रोलिसिस, तो C2H5C2H5 इथेन बन रहा है। जब आप, ठीक है, यूज्ड मिक्सचर ऑफ, ठीक है, सॉल्ट्स, देन ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ एल्केन, जो मैंने अभी आपको रिएक्शंस में बताया कि CH3COOH प्लस C2H5COOH इसका यूज करते हैं, तो CH3 प्लस C2H5 प्लस CH3C2H5 बन रहा है। ओके, कि यदि आप बच्चों कि लवण मिश्रण यूज होता है तो हमें एल्केन का मिश्रण मिलेगा। ओके, और तीसरा है कि पीएच ऑफ मीडियम, ठीक है, इंक्रीज होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए ना बच्चों कि माध्यम का पीएच बढ़ता है, क्योंकि क्या बनता है, क्योंकि इसमें NaOH बनता है। समझ गए, तो इस तरह से कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स बताए, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों मैं कुछ रिएक्शंस आपको दे देता हूं, आप इन्हें कंप्लीट कर लेना और इनके प्रोडक्ट्स कैसे पॉसिबल हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है ये देखना। एक तो ये सॉल्ट है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, बस आपको इन दोनों को जोड़ देना है, यहां पर एक कोई रिएक्टेंट है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, ये बनाना है, तो देखना आपकी यहां पर क्या लिया गया होगा। तो ध्यान रखें आपको ये दो चार कार्बन वाले लाने हैं, तो आपको ऐसा कार्बोक्सिलेट लेना होगा जिसमें 5 कार्बन और इसमें ऐसा ग्रुप दिखना चाहिए। एक इलेक्ट्रोलिसिस करने से ये बन रहा है, तो यहां पर हम कौन सा सॉल्ट लेंगे कि हमारे पास ये बन जाए, आप उसमें देख सकते हैं। एक तो 4 कार्बन का ले लो, एक 2 कार्बन, 3 कार्बन का, और फिर उनको ऐड कर दो। यहां पर इसके इलेक्ट्रोलिसिस से आप देखोगे कि बेंजीन बन जाएगी। यहां पर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दो रेडिकल बनेंगे और ये फिर ऐड हो जाएंगे। आप देखोगे एल्कीन बनेगी, इसमें एक साइक्लिक एल्कीन बनेगा। ये बुर्ज रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स में यहां दे देता हूं, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बुर्ज रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर ऐसे यहां पर होगी, यहां पर सोडियम के साथ इसी तरह से, और ये है कुछ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, आप इनको कंप्लीट करना। ओके, तो पहले से नोट करना।